देखिए किस तरह से सामान की लूट मची हुई है, जिसे जो मिल रहा है उठाकर ले जा रहा है। पानी की बोतलों के पैकेट, खाने का सामान, मिठाई, रिफाइंड तेल से भरे टिन। ये वो लोग हैं जो पीएम मोदी की रैली में शामिल होने आए थे। इनकी नजर रैली के लिए आए सामान पर थी और देखते ही देखते लूट मचनी शुरू हो गई। तस्वीरें यूपी की अलीगढ़ की हैं। दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी की अलीगढ़ में एक रैली हुई थी और सामान की लूट का मंजर रैली के बाद का है। जैसे ही पीएम निकले, रैली के लिए आए सामान की लूट मच गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले अलीगढ़ में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के मॉडल का जायजा लिया और यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी 97.27 एकड़ जमीन पर बनेगी। इसका प्लान भी जारी कर दिया गया है। अभी पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 2 साल के भीतर जनवरी 2023 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। यहाँ पीएम मोदी ने अलीगढ़ का ताला और उनके पिताजी के मुस्लिम दोस्त को लेकर एक किस्सा भी लोगों को सुनाया। उन्होंने कहा कि वो अलीगढ़ के बारे में बचपन से ही जानते हैं। अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे, पता है ना? क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे।